ये देख सकते हैं, ये है पूरा आगरा किला। आपको पूरा अंदर घुमाते हैं आज के इस ब्लॉग में, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश राय ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में हम आपको घुमाने वाले हैं आगरा किला, जिसको लोग लाल किला भी कहते हैं। तो आज इस आगरा किले की टूर कराने वाले हैं और देखते हैं अंदर। तो अभी हम खड़े हैं फर्स्ट गेट पे और यहाँ से अंदर जाएंगे और देखते हैं क्या क्या है। और ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको आगरा किला कितना। ये है फर्स्ट गेट इसका और ये है आगरा किला, ये देख सकते हैं, ये फ्रंट व्यू है। तो अभी यहाँ से चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आगरा फोर्ट के अंदर और अभी आपको सामने का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे इको आता है और अभी आपको इको सुनाएंगे। और इसकी खासियत यह है, जो पहले के जो लोग हमला करने आते थे या जो भी यहाँ पे घोड़े या हाथी वगैरह आते थे, जो घोड़े की नाल आती थी इन दीवारों से टकराती थी और एक आवाज निकालती थी। अगर कोई हमला करता था इस किले पे तो घोड़े को यहीं से चलना पड़ता है, ऊपर आना पड़ता था। और जो घोड़े की नाल होती है वो टकराती थी इन पत्थरों से, तो वो एक इको, एक आवाज, तेज ध्वनि निकलती थी। और ये दीवारें बनाई हैं सुरक्षा के दृष्टि से, ताकि कोई डायरेक्ट हमला ना कर सके। और ये जो रास्ते हैं ये जिग जैग मोशन में है, यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट कोई हमला करने आता था सीधा तो वो किले पे हमला कर सकता, लेकिन जब टेढ़े मेढ़े रहते हैं तो उनकी जो घोड़े हाथी जो भी जानवर होते थे उनकी गति धीमी हो जाती थी, इसीलिए ये बनाया गया है। अभी जहाँ मैं आया हूँ इसको कहते हैं वेलकम गेट, दिखाते हैं आपको। ये पीछे है वेलकम गेट और ये है ये इसमें स्नान करते थे। और इसमें की खासियत ये है कि ये एक ही पत्थर से बना हुआ है, इसमें और कहीं ज्वाइंट पत्थर नहीं है। आप पीछे देख सकते हैं, वो सिर्फ एक ही पत्थर से बना हुआ है। और अभी आपको बैक कैमरे दिखाते हैं, ये है वेलकम गेट। और जब भी राजा यहाँ से अंदर जाते थे तो ऊपर जो आपको दिख रहा है वहाँ से फूलों की बरसात की जाती थी। और यह है जहांगीर का स्नान, उस समय का बात तब कह सकते हैं आप, स्नान करने के लिए बनाया गया था। ये देख सकते हैं पूरा, और ये वेलकम गेट है। और कितना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा, ये देख सकते हैं आप। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये जो व्यू है आप सामने देख रहे हैं, यहाँ भी एक महल था और जिसको आक्रमण करके उस समय इस हमला करके इसको गिरा दिया गया था। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं यहाँ पे, ये अंगूरी बाग आप देख सकते हैं, ये पीछे पूरा आप देख सकते हैं, ये अंगूरी बाग और पूरा वाइट मार्बल का यहाँ पे बनाया हुआ है ये। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। और ये जो महल है इसको खास महल कहते हैं, यानी कि उस समय राजाओं का विश्राम घर होता था। और यहाँ से ये पूरे फवारे, फाउंटेन, ये पुराने फाउंटेन है जो अभी बंद पड़े हुए हैं, लेकिन ये चलते हैं। और सामने अंगूरी बाग, काफ़ी बढ़िया आर्किटेक्ट यहाँ पे बनाया गया है, देख सकते हैं दीवारों पे काफ़ी बढ़िया नक्काशी की गई है खूबसूरती से। उस समय का खास महल, यानी कि जहाँ आराम करते थे, विश्राम घर था। तो चलिए चलते हैं और आपको जगह दिखाते हैं। और उनके विश्राम घर से ताजमहल कितनी खूबसूरती से दिखता है, दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। अभी हम खड़े हैं कारागार में और इस कारागार में उस समय बंदी जो यहाँ बंदी थे उनको रखा जाता था, दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, कुछ जेल टाइप बनाया गया है यहाँ, हो सकता है ये तब उस समय का जेल रहा हो। ये पूरा ये कारागार है यहाँ उस समय का, इसमें बंदी रखे जाते थे, देख सकते हैं। ये जेल जैसा बनाया गया है, शायद क्लियर ना दिखे, ये देखिए ऐसे इस तरीके से बनाया गया है। अंदर काफ़ी अंधेरा है, किले के अंदर आ चुके हैं और ये भैया मिले हम लोगों को यहाँ पे और सब्सक्राइबर भी हैं। और काफ़ी खूबसूरत व्यू है, यहाँ भी मार्बल जैसे अभी ताजमहल में प्रयोग किया गया था, यहाँ भी मार्बल लगे हुए हैं।
ये देख सकते हैं, ये पूरे ये मार्बल के पूरे बने हुए हैं, और ये जो है लाल पत्थर का पूरा बनाया गया है। और ये मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से अंदर आए थे। और औरंगजेब ने जब शाहजहां ब्लैक ताजमहल बनवाने वाले थे तो इसी आगरे किले में उनको कैद करके रखा था, और यहीं से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है दीवाने आम, यहाँ दरबार वगैरह लगता था, जो ये पूरा मार्बल का बनाया हुआ है। और ये यहाँ का एकदम लास्ट है, और एक गेट और है लेकिन वो भी बंद है, वहाँ पे काम चल रहा है। दिखाते हैं आपको सामने वाला जो गेट देख रहे हैं, ये सामने वाला जो गेट देख रहे हैं इसके अंदर नहीं जा सकते, ये बंद है। तो और यही लास्ट भी था, वहाँ पे काम चल रहा है, आप ये देख सकते हैं।